दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने, उस समिति ने जिसका नाम की केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, एक पत्र सोशल मीडिया में डाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अच्छी बात है कि आपका प्रभाव है और आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है। मैं आपसे अब एक गुजारिश करना चाहता हूं इस मामले में कि अब तीन काम रह गए हैं इस मामले में। जब तक ये तीन काम नहीं होते तब तक ये पूरा ऑपरेशन अधूरा है। और ये तीन काम है, नंबर एक, दोस्तों नमस्कार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर लगातार निशाना साधने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने आज दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के बारे में एक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट ने एक पत्र जारी किया है, साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रभाव से स्वयं के प्रभाव को जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रभाव से ही यह कार्य हो पाया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने गुजारिश की है कि ये तीन काम भी जरूरी हैं। आखिर ये तीन काम क्या हैं और दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पत्र में क्या लिखा गया है? दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार घेरने वाले गणेश गोदियाल ने आखिर क्यों कहा है कि मुख्यमंत्री के प्रभाव से ही हमारा प्रभाव है, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को जरूर रखिएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आइए सुनते हैं गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने, उस समिति ने जिसका नाम की केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, एक पत्र सोशल मीडिया में डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मंदिर का निर्माण अब नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस संस्था को भी हम भंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने ये उम्मीद की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भूल को स्वीकार करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि उनकी प्रतिष्ठा है और उनकी प्रतिष्ठा से हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, राजनीतिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम विवश नहीं करना चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सार्वजनिक रूप से कहें कि ये मेरी भूल है, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि उनकी इस प्रतिष्ठा के साथ हमारी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, प्रदेश की प्रतिष्ठा जुड़ी है। लेकिन ये निश्चित है कि हमने ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने प्रभाव का उपयोग करके, आप अपने प्रभाव का प्रयोग कर उस संस्था को इस काम को यहीं पर स्थगित करने के लिए कहें और केदारनाथ धाम ट्रस्ट से कोई संस्था स्थापित नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप में ये उन सब लोगों की जीत है, उनका ये कहना, उस समिति का ये कहना कि हमने इसको रोक दिया और ये संस्था भी हम भंग कर रहे हैं, ये उन सब लोगों की जीत है जो वहां पर केदारनाथ धाम मंदिर बनने से, संस्था बनने से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां जाकर उस कार्यक्रम में शिरकत करने से और उसका प्रचार प्रसार करने से आहत थे, ये उन सब लोगों की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अच्छी बात है कि आपका प्रभाव है और आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है। निश्चित रूप में आपने अपने प्रभाव का उपयोग करके जो ये डिसॉल्व करने का पत्र ये जारी हुआ है, ये आपके प्रभाव के बिना नहीं हो सकता, ये आपका प्रभाव है और मैंने पहले ही कहा कि आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है, उत्तराखंड की ताकत है। मैं आपसे अब एक गुजारिश करना चाहता हूं इस मामले में कि अब तीन काम रह गए हैं इस मामले में। जब तक ये तीन काम नहीं होते तब तक ये पूरा ऑपरेशन अधूरा है। और ये तीन काम है, नंबर एक, कि केदारनाथ धाम नाम से जो भी पैसा उस संस्था में आया है वो पूरा का पूरा पैसा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर हो, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि जो केदारशिला केदारनाथ से ले जाई गई और वहां पर उस केदारशिला को वहां पर शिलान्यास में उपयोग किया गया, ससम्मान उस केदारशिला को वापस केदारनाथ में स्थापित किया जाए, वापस लाया जाए, नंबर दो। और नंबर तीन कि जो भी वो जमीन केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से दिल्ली में है वह जमीन और भूमि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को हस्तांतरित हो, उनके नाम दर्ज हो, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नाम वो जमीन दर्ज हो। ये तीन हमारी मुख्य मांगे हैं और चूंकि आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है, तो हमारी ये ताकत, उत्तराखंड की ये ताकत जो आपके प्रभाव के रूप में आप में निहित है,
ये इसके काम आए और आप जल्दी से इस काम को भी करिएगा, ये हमारी आपसे गुजारिश है। और ये भी जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये पूर्ण रूप से इसका सॉल्यूशन निकल गया, इसका इस मामले का हल निकल गया, ये तब तक नहीं माना जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।